हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं आर्मी में जो 5171 क्या उसके तरह से बटालियन में ग्रुप सी की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। इससे पहले कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, तो नोटिफिकेशन देखते हैं फ्रेंड्स। तो ग्रुप सी के लिए वैकेंसी निकली है। आपको इंट्रोडक्शन केयरफुली रीड करने हैं बिफोर फॉर्म फिल करने से पहले, अदरवाइज आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं पे स्केल, पोस्ट नेम, एज, एक्सपीरियंस के बारे में, पोस्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स सिविल मोटर ड्राइविंग ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए इसमें जो आपका वेतन रहने वाला है 29,900 बेसिक से 47,700 रहने वाला है। इसके लिए जो आपकी एज मांगी गई है 18 से 27 साल मांगी गई है। क्वालिफिकेशन जो है फ्रेंड्स की आपकी 10वीं क्लास आपका फर्स्ट होना चाहिए, पास होना चाहिए, सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स हैज बी का लैब 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस ड्राइविंग में होना चाहिए। इसमें बात है 5 पोस्ट है, इसके नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, एससी कैटेगरी है, रिजर्व है। फ्रेंड्स व्हीकल मैकेनिक के लिए बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें भी जो वेतन आपका रहने वाला है 19,900 बेसिक से 45,700 रहने वाला है। इसमें जो आपकी एज मांगी 18 से 25 साल मांगी गई है। फ्रेंड्स इसमें भी आपको 10वीं पास होना चाहिए और कैपेबल रीडिंग नंबर एंड नेम ऑफ टूल व्हीकल बूथ हिंदी और इंग्लिश और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको पास होना चाहिए। इसमें एक कैटेगरी एससी के लिए, एक पोस्ट है एससी कैटेगरी के। क्लीनर की बात करते हैं, इसमें 18,000 बेसिक से 41,100 रुपये आपका वेतन रहने वाला है। 18 से 25 साल एज मांगी है। फ्रेंड इसमें आपको 10th पास होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए क्लीनिंग से रिलेटेड। एक पोस्ट है एससी कैटेगरी है, रिजर्व है। फ्रेंड्स फायरमैन की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो वेतन 19,900 बेसिक से रहने वाला है, 45,700 रहने वाला है। 18 से 25 साल की इसमें एज मांगे। इसमें आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए फायरमैन से रिलेटेड, मस्ट भी आप यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइप ऑफ फायर एग्जीक्यूटर, होस पाइप फिटिंग्स एंड फायर एप्लीकेशन इक्विपमेंट, फायर इंजीनियरिंग, ट्रेलर पंप फॉर्म ब्रांचेस, आपका नॉलेज इनके नॉलेज होने के बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसमें 14 पोस्ट हैं फ्रेंड्स, 2 एससी की है, 1 एससी की, ओबीसी की 3 है, जनरल की 8 है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अब बात करने वाले हैं इसमें जो फिजिकल काम आगे बताएंगे आपको। मजदूर के लिए इसमें 18,000 बेसिक से लेकर 41,100 आपका वेतन, 18 से 25 और 10वीं पास होना चाहिए। फ्रेंड्स इसमें 2 वैकेंसी है, 1 एससी की, 1 जनरल की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 23 है फ्रेंड्स, इसमें जनरल की 9, एससी की 10, एसटी की 1, को ओबीसी 3 रहने वाली है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसमें जो आपको वेंटेज जो रिटर्न क्वालिफाई जो एग्जाम का आपके ओनली एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, इसमें 100% जो वेंटेज रहने वाला है रिटर्न टेस्ट का रहने वाला है। फिजिकल जो आपका क्वालिफाई नेचर रहने वाला है, फिजिकल जो क्वालिफाई नेचर में रहने वाला है। पोस्ट ऑफ मजदूर एप्लीकेबल कैंडिडेट एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट अप्लाई फॉर 10% पोस्ट रिजर्व है इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए और 5% पोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिजर्व है। एज लिमिट की हम वहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी एक बार कर लेते हैं। क्लीनर के लिए 18 से 25 जनरल कैटेगरी के लिए, 18 से 28 ओबीसी के लिए, 18 से 30 एससी कैटेगरी के लिए, सिविल मोटर ड्राइविंग ऑर्डिनरी के लिए 18 से 27 साल जनरल के लिए, 18 से 30 साल ओबीसी के लिए और 18 से 32 साल एससी के लिए। व्हीकल मैकेनिक के लिए 18 से 25 जनरल, 18 से 28 ओबीसी, 18 से 30 एससी कैटेगरी। फायरमैन के लिए बात करते हैं 18 से 25 जनरल के लिए, 18 से 28 ओबीसी के लिए, 18 से 30 एससी कैटेगरी। मजदूर की बात करें 18 से 25 जनरल, 18 से 28 ओबीसी और 18 से 30 एससी के लिए रहने वाला है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन का, हमने आपको बता ही दिया था इसमें जो एज लिमिट आपको रहने वाला जनरल का 18 से 30 रहने वाला है, स्पोर्ट्स पर्सन में 18 से 30 ओबीसी के लिए, 18 से 35 एससी कैटेगरी रहने वाला है। फ्रेंड्स इंटरनेशनल है वो भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से आपका होना चाहिए और नेशनल कॉम्पिटिशन भी चलने वाले हैं। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फिजिकल और प्रैक्टिकल रिटन टेस्ट के बारे में। तो इसमें आपका फिजिकल और प्रैक्टिकल क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है, 100% जो वेंटेज आपका रहने वाला है रिटर्न में रहने वाला है। बाकी कोई इंजरी वगैरह रिस्क ओनर रिस्क डिपार्टमेंट विल बी नोट, डिपार्टमेंट की कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर। आप कोई भी इंजरी होते हैं फिजिकल वगैरह के टाइम तो फ्रेंड्स फिजिकल टेस्ट के बाद में बात करते हैं सर। फ्रेंड्स तो फायरमैन फिजिकल ओनली फायरमैन के लिए बात करते हैं। फायरमैन के लिए आपको कैरिंग मैन आपको 65 किलो 65.5 kg का वजन उठा के 183 मीटर के रनिंग रहेगा, 96 सेकेंड में। और क्लीन के लिए क्लीनिंग के लिए 2.7 मीटर वाइड डिच
लैंडिंग ऑन बोथ फीट लॉन्ग जंप रहने वाला, क्लाइंबिंग रहने वाला 3 मीटर का वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फिट का रहने वाला है फ्रेंड्स। और ऑल ट्रेड के लिए एक्सपेक्टेड फायरमैन फिजिकल टेस्ट विल बी कैरी आउट डिसाइडेड बाय द बोर्ड, बोर्ड के तरफ जो डिसाइड करेगा वो रहने वाला। रिटर्न की बात करते हैं, इसमें आपका रिटर्न ओवरऑल मेरिट एंड मिनिमम पासिंग मार्क 33% रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर कमांड फॉर सीट रिटर्न टाइल आप हिंदी ब्लू विल दो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहने वाले हैं फ्रेंड्स। फॉर ऑल ट्रेड के लिए जो एग्जाम आपका रहने वाला जनरल इंटेलिजेंस फर्स्ट पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मार्क का रहने वाला है। नेगेटिव मार्क 2.14 के आपके नेगेटिव मार्क ड्यूरिंग जो एग्जाम का टाइम रहने वाला है फ्रेंड्स 2 घंटे का आपका रहने वाला है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क के होने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, न्यूमेरिकल आएगा आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग ट्रेड ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे 50, इसमें दो जनरल अवेयरनेस और ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क के रहने वाले हैं फ्रेंड्स। सिविल जो आपके 10th के स्टैंडर्ड पे रहने वाला है फ्रेंड्स। बाकी रिटर्न टेस्ट की जो डिटेल है यहाँ पे दी गई है, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। सिलेक्शन विल भी सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एसटीसी कैटेगरी ओबीसी से भर रहे हैं तो उसका आपके पास होना चाहिए फ्रेंड। वेरिफिकेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट एक्सचेंज लेटर आपके पास होना चाहिए। वेरिफिकेशन ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम इशूइंग अथॉरिटी। वेरिफिकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस डीटीओ आरडीओ एप्लीकेबल आपका होना चाहिए। सीएमडी ट्रेड के लिए होना चाहिए और 90 डेज के अंदर आपका वेरिफिकेशन होना चाहिए। सेंटर फॉर टेस्ट के लिए जो आपका सेंटर रहने वाला है 5100 कहते हैं एससी बटालियन एमटी नियर स्टेशन उधमपुर यही रहने वाला है फ्रेंड्स। तो फिर सब बात करने वाले हैं हम हाउ टू अप्लाई। आप फॉर्म को केयरफुली रीड करके फॉर्म को भरेंगे और स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट ऑर्डिनरी पोस्ट तीनों के थ्रू आप पहुंचा सकते हैं फ्रेंड्स। अटैच ड्यूली असिस्टेड कॉपी अंडर द मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्टेड फोटोकॉपी वगैरह करा लेने हैं। सर्विंग ग्रुप है ग्रुप बी रजिस्टर्ड ऑफिसर से करा लेना है। क्वालिफिकेशन एजुकेशन आपको जो अटैच करने है क्वालिफिकेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट कास्ट रिलेटेड है तो कास्ट सर्टिफिकेट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट डिस्चार्ज बर्थ सर्टिफिकेट हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस सिविल मोटर ड्राइवर के लिए आप अप्लाई कर रहे थे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 ईयर एक्सपीरियंस एंड वेल ड्राइविंग मोटर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। डोमिशियल और आधार कार्ड बाकी अन्य डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आगे बात करते हैं हमें ड्राइविंग मिनिमम 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो आपको जो एनवेलप कैंडिडेट विल बी इंक्लूड द एनवेलप पोस्ट 25 रुपये का 45 रुपये का वो लगा देना है उस पर। एडमिट कार्ड भेजने के लिए आपको डिस्पैच करने के लिए वो चाहिएगा तो 25-45 एक एनवेलप सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ एनवेलप उस पर 25 रुपये का स्टाम्प लगा के भेज देना है। सक्सेसफुली आपको इस एड्रेस पे फॉर्म को भेज देना है और आपको जो एप्लीकेशन ऑफिस पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जिस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट लिख देंगे। बिल विद सेल्फ आप विद सेल्फ एंड फादर नेम यहाँ पर लिखना है और वो भेज देना है। जनरल जो इंट्रोडक्शन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। प्रैक्टिकल और ये क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है रिटर्न आपका 100% वेंटेज का रहने वाला है। वार्निंग आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर। आप फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं फॉर्म एप्लीकेशन भी रहने वाला है अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट लिख देंगे यहाँ पर भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। और मजदूर टिक कर देना है मजदूर के लिए बढ़ रहे हैं यहाँ ब्लॉक लेटर बड़े अक्षर में नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ लिख देनी और 1 जनवरी 2019 कितने साल के कितने हो गए वो लिख देना। आइडेंटिटी मार्क लिख देना यहाँ पर आपको अपना कॉल फोन नंबर एड्रेस परमानेंट एड्रेस लिख देना है फ्रेंड्स। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। कास्ट अपनी जो भी यहाँ डाल देंगे अटैच कॉपी ऑफ ड्यूली सेल्फ असिस्टेड कॉपी होना चाहिए आपको जो कैटेगरी हैं तो और एक्सर्विसमैन वगैरह हैं तो यहाँ पर लिख देंगे। एजुकेशन अटैच कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए फ्रेंड्स। हम नीचे नीचे देखते हैं फ्रेंड्स तो इसमें आपको यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है
यहाँ पे भी आपको सीखनी चाहिए, सिर्फ ऑफिस यूज के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है फ्रेंड, यहाँ पे आपको खुद करना है। प्लीज इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नाम वगैरह लिख देना है, बाकी डिटेल भर देनी है और अपना मेल है तो लेफ्ट हैंड का थंब लगा देना, ये ऑफिस यूज के लिए रहने वाला है फ्रेंड। और फिर बात करते हैं तो मोटे मोटे हम आपसे बात कर लेते हैं, जो आपका है कुर्सी की वैकेंसी है 16 एक्सपेक्टेड जो डेट है 16 जुलाई 2022 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 14 अगस्त 2015 लास्ट डेट रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस इसकी 0 रहने वाली है फ्रेंड्स। एज इसमें 18 से 25 और 27 साल सीएमडी पोस्ट के लिए मांगी गई है फ्रेंड्स। क्वालिफिकेशन की हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स, पोस्ट की भी हम बात कर चुके हैं, रिटन सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस टेस्ट रहने वाला है। इस एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म भेजना है फ्रेंड्स। कमांडिंग ऑफिसर 5171 एसटी बटालियन एमटीपी नंबर ये इस वाले पोस्ट कोड लिख देना है। रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको जो फॉर्म का बार का लिखा हुआ एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑल अलोंग विद सेल्फ एंड फादर नेम जरूर लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स।